हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे दूल्हे के द्वारा मांगी गई आशीर्वाद मांगों के द्वारा। तो आप भी देखें क्या क्या इस दूल्हे ने अपनी मांग की। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। जयपुर राजस्थान में वर पक्ष की मांगों से आशीर्वाद हुआ वधु परिवार। विवाह पूर्व एक लड़के की अनोखी मांगों से लड़की वाले हैरान है। लड़के की मांगों की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। यह मांगे दहेज को लेकर नहीं बल्कि विवाह संपन्न कराने के तरीके और अनुसूचित परंपराओं को लेकर है। मांगे इस प्रकार से है, कोई प्री वेडिंग शूट नहीं होगा। दूसरी मांग है, दुल्हन शादी में लहंगे की बजाय साड़ी पहनेगी। मैरिज लोन में उल जुलूल अश्लील कान फोड़ संगीत की बजाय हल्का इंस्ट्रूमेंट संगीत बजेगा। वरमाला के समय केवल दुल्हा दुल्हन ही स्टेज पर रहेंगे। वरमाला के समय दुल्हे या दुल्हन को उठाकर उचकाने वाले को विवाह से निष्कासित कर दिया जाएगा। पंडित जी द्वारा विवाह प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद कोई उन्हें रोक टोकेगा नहीं। कैमरामैन फेरों आदि के चित्र दूर से लेगा, न कि बार बार पंडित जी को टोंक कर। ये देवताओं का आह्वान करके उनके साक्ष्य में किया जा रहा विवाह समारोह है, ना कि किसी फिल्म की शूटिंग। दुल्हा दुल्हन कैमरामैन के कहने पर उल्टे सीधे पोज नहीं बनाए जाएंगे। विवाह समारोह दिन में हो और शाम तक विदाई संपन्न हो, जिससे किसी भी मेहमान को रात 12 से 1 बजे खाना खाने से होने वाली समस्या जैसे अनिद्रा, एसिडिटी आदि से परेशान ना होना पड़े। इसके अतिरिक्त मेहमानों को अपने घर पहुंचने में मध्य रात्रि तक समय ना लगे और ना ही असुविधा हो। नवविवाहित को सबके सामने आलिंगन के लिए कहने वाले को तुरंत विवाह से निष्कासित कर दिया जाएगा। विवाह में किसी प्रकार का मांस मदिरा वर्जित होगा। विवाह में देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। मांस मदिरा देवता देखकर रूठ हो जाते हैं। दुल्हा दुल्हन को बिना आशीर्वाद दिए चले जाते हैं। ज्ञात हुआ है कि लड़की वालों ने लड़की की सभी मांगों को सहर्ष मान लिया है। समाज सुधार के लिए सुंदर सुझाव है, सभी के लिए अनुकरणीय है। शादी एक पवित्र बंधन है जो कि मर्यादाओं में रहे, अपनी पुरानी परंपराओं की ठीक है, दिखावे से बचे। सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम। कैसी लगी आपको ये अनूठी मांगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों।